नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट कोर्सेज जो हम कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन डेरिवेटिव मार्केट। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट NISM examinations offered by SEBI. सो NISM stands for National Institute for Securities Market. ये जो है एक educational program है, SEBI के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पर अलग अलग courses है, हम certification courses भी कर सकते हैं for better job opportunities in इक्विटी मार्केट। ये जो NISM सर्टिफिकेशंस है अलग अलग टॉपिक के ऊपर है, तो डेरिवेटिव मार्केट, म्यूचुअल फंड, रिसर्च एनालिस्ट, रिटायरमेंट प्लानर एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके बहुत सारे कोर्सेस है। इसमें से हम फोकस करेंगे डेरिवेटिव सर्टिफिकेशंस के ऊपर। मैंने खुद इक्विटी डेरिवेटिव और करेंसी डेरिवेटिव एग्जामिनेशंस क्लियर करे हैं। मैं अपना इनसाइट आपके साथ शेयर करूँगी इन दो सर्टिफिकेशंस के लिए, प्लस और जो तीन सर्टिफिकेशंस के लिए अपेयर करने वाली हूँ, इसके लिए किस तरह से अपना स्टडी मटेरियल या फिर किस तरह से प्रिपरेशन करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे ऊपर बचपन से एक ऐसे कंडीशनिंग की है कि जो मैं पढ़ रही हूँ अगर मैं किसी को समझाऊँ तो वो मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग से समझ पाती हूँ, प्लस सामने वाले का भी बेनिफिट होता है। सो यही हम इस सीरीज़ में करेंगे। मैं अपने इनसाइट्स आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और ये कितने डिफ़िकल्टी लेवल्स पे आते हैं फॉर कॉमन पीपल। और प्लस अगर आप अपने जॉब प्रोफाइल में कुछ ऐड करना चाहते हैं सर्टिफिकेशंस, तो ये बहुत अच्छे सर्टिफिकेशंस है। प्लस पर्सनली भी अगर आप अपना फाइनेंस हैंडल करते हैं और आपको इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग और समझना है, तो ये अच्छे कोर्सेस है विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। सो लेट्स बिगिन दिस न्यू सीरीज़। मैं ट्राई करूँगी कि हर एक वीडियो बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो और आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ समझने को मिले। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।